नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान में लगातार जारी आर्थिक संकट के खत्म होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ डील की उम्मीद थी, लेकिन दोनों के बीच समझौता होता दिख नहीं रहा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से पाकिस्तान को भारी धन के आश्वासन के बावजूद भी आईएमएफ ने रुके हुए ऋण कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान से और भी कदम उठाने को कहा है। पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच कर्मचारी स्तर के समझौते में फिर से देरी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने एक और नई मांग रख दी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में वित्त सचिव हामिद याकूब की आईएमएफ के साथ बैठक सफल नहीं रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईएमएफ ने वाणिज्यिक बैंकों से $1 अरब की व्यवस्था करने का प्लान रखा है। पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच 9 फरवरी को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना था, लेकिन तब से इसमें लगातार देरी हो रही है। आईएमएफ को पेट्रोल पर सब्सिडी देने पर भी आपत्ति है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के मित्र देशों की सहायता करने से जुड़ी प्रतिबद्धताओं का स्वागत किया है। पाकिस्तान में आईएमएफ मिशन के प्रमुख नाथन पोटर ने पाकिस्तान के मित्र देशों से वित्तीय सहायता की घोषणा का स्वागत किया है और कहा है कि वे पाकिस्तानी अधिकारियों के प्रयासों का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान के आर्थिक संकट के कारण साल 2023 की ईद भी फीकी रही है। देश के खुदरा विक्रेताओं के मुताबिक ईद के मौके पर बाजारों में खरीदारी पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस बार बेहद कम रही है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके पास सिर्फ 1 महीने के आयात का डॉलर बचा है। महिलाओं के कपड़ों को छोड़कर सभी श्रेणियों की बिक्री में 20% कमी आई है। पाकिस्तानी अधिकारियों को उम्मीद है कि ईद के बाद इस्लामाबाद सऊदी अरब से $2 अरब की अतिरिक्त जमा राशि के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ईद के तुरंत बाद सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के साथ अतिरिक्त $2 बिलियन जमा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। सऊदी अरब ने द्विपक्षीय सहायता समर्थन की पुष्टि की थी, जिसे SFD कर्मचारियों ने भी स्वीकार किया था। यह समझौता सऊदी अरब और यूएई से $2 अरब और $1 अरब की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की पुष्टि करता है। आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान ने न तो सऊदी अरब और न ही यूएई से अधिक समर्थन के लिए कोई नया अनुरोध किया है। इन देशों की ओर से क्रम से $2 अरब और $1 अरब की पुष्टि की जा चुकी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।